वीडियो अपलोड किया था किंक फेटिश फैंटेसी, जिसमें मैंने तीनों के बीच में ही डिफरेंस बताया था। उसमें काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हमें फीमेल फैंटेसी के बारे में डिटेल में बताइए कि किसी फीमेल की क्या छुपी हुई फैंटेसी होती है, उसके बारे में हमें जानना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फीमेल की उन्हें छुपी हुई दबी हुई फैंटेसी के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हर फीमेल अलग है, उसकी सोच अलग है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं फैंटेसी आपको बताऊं अगर वो आपकी फीमेल पार्टनर में आपको नजर नहीं आती है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हो सकता है किसी और फीमेल की ये फैंटेसी हो। और दूसरी चीज, एक औरत की सेक्सुअल डिजायर काफी हद तक प्रभावित होती है उसके नेचर से, उसके स्वभाव से। जैसा उसका स्वभाव होगा वो नेचुरली जो चीजें लेकर पैदा हुई है उसी से, उसी के इर्द गिर्द उसकी सेक्सुअल डिजायर, उसकी फैंटेसी घूमती होगी। सबमिसिव, फेमिनिन और डोमिनेंट, जिस व्यक्तित्व की वो मालकिन है उसी के इर्द गिर्द उसकी जो फैंटेसी है उसके दिमाग में पनपेगी। फैंटेसी की देखो कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा जी, घंटे कम पड़ जाएंगे, पूरा दिन कम पड़ जाएगा अगर मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। लेकिन फिर भी इस 8-9 पता नहीं कितने मिनट का वीडियो होने वाला है, जितने भी मिनट का वीडियो बनता है, चाहे 8 मिनट का बनता है, 10 मिनट का बनता है, मैंने गागर में सागर को भरने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे। शारीरिक रूप से कोई फीमेल दो ही तरह की होती है, एक वर्जिन और दूसरी जो वर्जिन नहीं है। जो वर्जिन फीमेल होती है उसकी सेक्सुअल डिजायर सिर्फ इतनी होती है कि उसे सेक्स को एक्सप्लोर करना है, आखिर ये चीज क्या है, होता कैसे है। अब आ जाओ उस फीमेल के ऊपर जो रेगुलर सेक्स करती है, जिसने सेक्स का पहाड़ा पढ़ लिया है, फिर वो चाहे अनमैरिड फीमेल हो या मैरिड फीमेल हो। किसी एक्सपीरियंस फीमेल के अंदर चाहते पैदा होती हैं और होती ही होती हैं, क्योंकि रूटीन सेक्स से हर कोई इंसान कभी ना कभी बोर जरूर होता है। और जब वो रूटीन सेक्स से बोर हो जाता है फिर उसके अंदर अंदर की जो फैंटेसी है वो हिलोरे मारना शुरू करती है। जैसे मान लो अगर किसी के साथ सिर्फ सेंसुअल वे में सेक्स होता आ रहा है तो उसके अंदर इस चाहत पैदा हो सकती है कि यार मुझे कोई बांध के सेक्स करे, मुझसे कोई जबरदस्ती करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ये चाहती है मेरे साथ रेप हो जाए, नहीं, लेकिन वो थोड़ा जोर जबरदस्ती चाहती है। उसके मन में ये विचार आ सकता है क्या करता क्या है ये, बेडशीट मेरी खराब नहीं होती, बाल मेरे उलझते नहीं, आके बस ठुक ठुक करके निकल लेता, कर क्या रहा है ये मेरे साथ। तो ये चीजें उसके अंदर पैदा हो सकती है। इसी तरह से जो फीमेल फोर्स्ड सेक्स को ही एक्सपीरियंस करती आ रही है, उसका जबरदस्ती होती आ रही है, वो वैसे थक लेगी, यार कोई प्यार से भी मुझे छुए, मुझे कोई सेंसुअल वे में टच करे, मेरी साड़ी को ऐसे करके खींचे। ये जब रफली आकर चीते की तरह मेरे ऊपर कूद के पड़ता है, कभी सांप की तरह मुझसे लिपटे, ये उसके अंदर फैंटेसी हो सकती है। पब्लिक प्लेस पे किस करना, स्मूच करना, सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि आपको आजकल ये तितली भवरे मुंह में मुंह दिए देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले एक्सपोजर नहीं था, कोई जाके थोड़ी ना देख रहा है, कहां पता लग रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ने वीडियो बना के डाल दी तो आज आपको दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार टाइम बदल रहा है। चीजें पहले भी थी लेकिन पहले एक्सपोजर नहीं था। और एक चीज और बता दूं, किसी लड़के में इतना दम नहीं है कि बिना वो लड़की की परमिशन के उसके मुंह में मुंह घुसा दे, मेट्रो में सब देख रहे हैं या पब्लिक प्लेस में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ये लड़की की फैंटेसी तो है, ये चाहत ही तो है उसकी, जो इसे करने पे मजबूर कर रही है कि यार करो मेरे साथ, मुझे दिखाना है लोगों को, मुझे एक्सपोज करना है। फैंटेसी होती है कुछ लड़कियों की कि कार हिल रही है और हम सेक्स कर रहे हैं और लोग देख के अराउज हो रहे हैं, और जैसी वो बाहर निकलती है अपने आप में ओह किया मैंने, तो ये उसकी अपनी डिजायर है, उसे मजा आता है लोगों को अराउज करने में। मैं जो बता रही हूँ ना, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए बता रही हूँ। कुछ फीमेल के अंदर मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने की फैंटेसी होती है, तो कुछ को अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ ही कर लेना है, अपने हस्बैंड के भाई के साथ कर लेना है, आपके नाक के नीचे काम होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, और पता लग भी जाए तो आप कुछ ना कर पाओगे। पता अगर लग भी जाए तो देखे को अनदेखे करे बिना आपके पास और कोई चारा भी नहीं होगा, अगर वो आपका भाई है तो। दोस्त हो तो चलो आप दोस्ती यारी तोड़ दोगे या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन आप ये सोचो कि अब ये दोबारा नहीं होगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फैंटेसी है जी। क्यों एक रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड को सबसे ज्यादा डर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके इसी बात का होता है कि यार ये मेरे दोस्त के साथ सेट ना हो जाए, दुनिया के किसी बंदे के साथ सेट हो जाए लेकिन मेरे दोस्त के साथ सेट ना हो जाए। क्यों क्यों ऐसा फील होता है? फियर, डर, और यही डर उसकी गर्लफ्रेंड को अराउज करता है। इसे कहते हैं फैंटेसी ऑफ फियर, जो कि ज्यादातर लड़कियों में होता है, उसे मजा आता है कि नाक के नीचे करूं मैं उसके काम। फियर, ये जो डर होता है ना, ये इनसिक्योरिटी से अराउज करती है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पर चीजें होती है।
इस सिचुएशन में जो पति होता है या फिर जिस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मेरे अंदर क्या कमी थी, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी, उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता पूरी उम्र, क्योंकि कमी है ही नहीं, ये फैंटेसी है। वो जो क्यों होता है वो जिंदगी भर तलाशता रह जाता है, आज आपको वो क्यों बता दिया मैंने। नेक्स्ट फैंटेसी, फ्लैशिंग की फैंटेसी, एग्जीबिशन की फैंटेसी, अपनी बॉडी को शो करना, इट जस्ट आर्ट, ये एक स्किल है और इसी स्किल के बेसिस पे पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री चलती है। इसी तरह से कुछ फीमेल की फैंटेसी होती है, उन्हें अच्छा लगता है अपने बॉडी को एक्सपोज करना, कोई साड़ी में एक्सपोज करता है तो कोई वेस्टर्न ड्रेसेस में एक्सपोज करता है, और ये चीज तो एक लड़के में भी होती है, भैया बॉडी शॉडी बनाएगा, आब शैप बनाएगा, दिखाता है ना आगे के चार बटन खोल के, ये क्या है, ये फैंटेसी तो है। किसी फीमेल को सेक्स के दौरान डोमिनेट होना पसंद होता है तो किसी को डोमिनेट करना पसंद होता है, ये डिपेंड करता है उसकी फैंटेसी किस लेवल पे है। वैसे ज्यादातर फीमेल को डोमिनेट होना पसंद होता है सेक्स के दौरान, उसे मजा आता है कि मेरे हाथ पर बांध के कोई मेरे से सेक्स करे, मेरे से वही फोर्स्ड सेक्स जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थोड़ा सा जबरदस्ती कोई रफली एक्ट करे तो उसे ज्यादा मजा आता है। ये सभी को ही पसंद होता है, डोमिनेंट को भी, सबमिसिव को भी, फेमिनिन को भी, कॉमन फैंटेसी में से एक है। ज्यादातर फीमेल को डर्टी टॉक पसंद होती है, उसका मन करता है कि मेरा जो पार्टनर है मेरे कान में कुछ ऐसा बोले मैं अराउज हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, कभी करके देखिए, आपको अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट उसके अंदर नजर आएगी, नहीं किया तो करके देखिए। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें लेस्बियन सेक्स पसंद होता है, वो छुप छुप के ऐसी मूवी देखती है जिसमें दो लड़कियां इंटीमेट हो रही है, सेक्स कर रही है, ये चीजें उन्हें अराउज करती है। अब ये ऐसी फैंटेसी नहीं है जो कोई फीमेल आकर आपको बताएगी, मतलब अगर आपकी कोई वाइफ है उसे ये चीज अराउज करती है तो आपको लगता है कि वो आपको बताएगी, तो ऐसे दबी चाहते होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी होगी तो चाहते मर जाती है, ये जिंदा रहती है। कितनी फीमेल ऐसी होती है जिन्हें लिप करवाना खुद को बहुत पसंद होता है, आइसक्रीम डाल मेरी पूरी बॉडी पे, चाट जा, हॉट चॉकलेट डाल और चाट मुझे। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें कूगर फैंटेसी होती है, यार छोटे लड़कों के साथ करना है अपने हिसाब से। तो कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें बड़ी उम्र के लड़कों के साथ, बड़ी उम्र जो उनसे उम्र के 10-20 साल बड़े होते हैं उनके साथ उनको एक्सपीरियंस करना है। तो कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिन्हें सिर्फ लोगों के उठाने में मजा आता है, वो चैट भी करेगी, बात भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन बेड तक जाना उसके साथ मुश्किल है। जाके अपना गाली निकल रही है मेरे मुंह से, मतलब कुछ भी करे, एक्स वाई जेड हिलाए या कुछ भी करे अपना, लेकिन माना तो अपना काम कर दिया। तो ये वाली जो फैंटेसी होती है ये भी कुछ फीमेल में पाई जाती है, ना तो उन्हें कोई सेक्सुअल प्लेजर की चाहत होती है, ऐसी औरतों के साथ बेड तक जाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि बेड तक जाना उसका पर्पज नहीं है ना, वो उसका गोल नहीं है, उसे बस उठा के उसे छोड़ देना, हिलाता रहा टन 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 टन। कितने ही लड़के सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब करते हैं ऐसी औरतों ऐसी लड़कियों के पीछे पड़कर, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं एंड में। फैंटेसी की देखो लिस्ट बहुत ही लंबी है, पहले बोल चुकी हूँ कि पूरा दिन कम पड़ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल जिससे कई बार आप खुद भी गुजरे होंगे, आपने रिलेट किया होगा खुद से। बात कर लेते हैं कि कोई फीमेल अपने अरमानों को छिपाती क्यों है, बताती क्यों नहीं है। नंबर वन, एक्सपेक्टेशन फॉर वुमेन। हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़की की परवरिश में बहुत फर्क होता है, और इसी परवरिश के चलते हमेशा लड़की से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो सुसंस्कारी बिहेव करेगी, खुद को मर्यादा में रखेगी, जहां बात अगर सेक्स की आती है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर्द एक से ज्यादा औरतों से रिलेशनशिप बनाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी मर्दानगी को अप्रिशिएट किया जाएगा, यार बंदे में दम है, मतलब कोई उस लेवल पे नहीं देखा जाएगा कि यार इसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, चल ठीक है बहक गया हो गया, चल कोई नहीं अब आ जा संभल जा। लेकिन ये सेम नजरिया किसी औरत के लिए नहीं है, ये सोसाइटी एक सेकंड के अंदर उसे वेश्या का दर्जा दे देगी, फिर चाहे उस औरत का अपने लीगल रिलेशन के बाहर सिर्फ एक आदमी से रिलेशन हो और वजह भी लीगल हो, लेकिन तब भी ये दुनिया उस औरत को वेश्या का सर्टिफिकेट पकड़ा देगी। दूसरा, जजमेंट, खुद को जज किया जाने का डर। दूसरे लोगों से तो उसे क्या डर होगा, सबसे पहला डर उसे यही होता है कि मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैंने उसे अपनी फैंटेसी अपनी चाहत के बारे में बता दे कि यार मुझे ना बेड पे ऐसे ऐसे करना है, तो मेरे साथ ये किया करो, तो मेरे साथ वो किया करो, तो वो मुझे क्या सोचेगा, कहीं वो ये ना सोचे कि यार इसे ये चीज कैसे पता, यानी कि ये तो कोई भी औरत जानबूझ के ना अपने गले में खुद से फंदा नहीं डालना चाहती, यार पूरी जिंदगी इसी के साथ ही निभानी है, अगर इसके दिमाग में कुछ भी मेरे को लेके उल्टा सीधा आ गया तो मैं तो सफाइयां देती रह जाऊंगी, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। हो सकता है इसका बिल्कुल अपोजिट भी हो, उसका जो हस्बैंड है वो उसे सपोर्ट करे, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहती ना।
तो कुछ फीमेल तो अपनी दबी चाहतों को और दबा लेती हैं, लेकिन जो दबा नहीं पाती फिर वो छिप छिप कर करती हैं और पकड़े जाने पर बहाने लगाती हैं और कई बार उसे ही फंसा देती है, मेरे पीछे खुद से पड़ा हुआ, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। दो चार व्रत शर्त कर लेगी, पूजा पाठ कुछ ज्यादा कर लेगी, अपने हस्बैंड को दो चार दिन अच्छे से दे देगी, हो गया मामला शांत। तो फैंटेसी सबकी होती है, जो छिप छिपा के करने में कामयाब हो जाती है उन्हें चरित्रवान का टैग दे दिया जाता है, और जो दंके की चोट पे करती है, ना खुद को धोखे में रखती ना दूसरों को धोखे में रखती, उसको कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो ये जो डर होता है ना, ये एक लड़की के अंदर बचपन में ही बिल्ड कर दिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है। अब आप बोलेंगे मैम आपके अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं नजर आता, आप तो एक्सपोज भी करते हो, बात भी करते हो, इतना खुला बात करते हो, क्योंकि मैं औरत जरूर हूं लेकिन सिर्फ औरत नहीं हूं, बस इतना समझ लो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, नहीं आऊंगी समझ। अभी मैंने जितनी भी फीमेल फैंटेसी के बारे में आपको बताया, ये जरूरी नहीं कि सबकी हो और ये जरूरी नहीं कि किसी की भी ना हो। और अगर आपको इसे और डिटेल में गहराई में समझना है कि फेमिनिन की क्या होती है फैंटेसी, सबमिसिव फीमेल की क्या होती है, डोमिनेंट फीमेल की क्या होती है, तो उसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है फीमेल फैंटेसी, जिसमें और भी ज्यादा डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक फीमेल को, उसके बिहेवियर को, उसके सेक्सुअल फैंटेसी को, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ उस वीडियो का।